आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एसएन मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में समाजसेवी संस्था द्वारा साइलेंट लैंप मशीन का दान किया गया है। इस मशीन के माध्यम से मरीज की आंखों का सही से इलाज हो सकेगा, साथ ही पढ़ रहे एसएन के मेडिकल स्टूडेंट को भी काफी फायदा होगा। एसएन मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में समाज सेवी संस्था द्वारा साइलेंट लैंप मशीन का दान दिया गया है। इस मशीन के माध्यम से मरीज की आंखों का सही से इलाज हो सकेगा, साथ ही पढ़ रहे एसएन के मेडिकल स्टूडेंट को भी फायदा होगा। क्योंकि पहले जो मैं देख रही थी वो सिर्फ मैं देख रही थी मशीन के थ्रू, लेकिन अब क्योंकि वो डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, तो आई कैन डू बेटर टीचिंग, आई कैन डिस्कस द केस विद माय रेजिडेंट्स। सो ये एक एडिशनल एडवांटेज है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वी आर इन द इंस्टीट्यूशन, तो हमारे साथ बहुत सारे रिसर्च वर्क्स चलते हैं जिसके लिए हमें पेशेंट्स के प्री ऑपरेटिव फोटोग्राफ्स, पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप के फोटोग्राफ्स उनकी ज़रूरत होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जो हमें पहली बार मिला है, ताकि हम अपना डॉक्यूमेंटेशन अच्छा कर सकें, हम अपने रिसर्च पेपर पब्लिकेशन अच्छे कर सकें, क्योंकि बिना प्रूफ्स के कोई अच्छा जर्नल आपके वर्क को नहीं पब्लिश करता। सो नाउ ये एक ना छोटा सा स्टेप है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसकी वजह से हमारी फंक्शनिंग ज़्यादा बेटर होगी और हम अच्छे से काम आगरा की जनता के लिए कर पाएंगे। आपको मरीज और उसके साथियों को बताना बड़ा आसान होता है कि देखिए आपके पेशेंट में ये दिख रहा है, यहाँ पे खराबी है। जब आप मरीज को कोई चीज़ दिखाते हैं तो मरीज बड़े आसानी से आपकी बात को समझता है और वो उस प्रोसीजर को कराने के लिए कन्विंस हो जाता है नॉर्मली, क्योंकि आप ही देख रहे हैं, आप ही की समझ में आ रहा है। तो आप बड़ा मुश्किल होता है हर मरीज को कन्विंस करना। यहाँ पे अब जब आप मरीज को खुद दिखेगा, उसके साथी को दिखाई देगा, वो उसकी फ़ोटो भी ले सकता है, रिकॉर्ड भी कर सकता है, तो उसकी सब समझ में आता है कि भाई ये वाकई में यहाँ पर ख़राबी है और हमें इस ऑपरेशन की अर्जेंट नीड है। साइलेंट लैंप मशीन के माध्यम से उन मरीजों को लाभ मिलेगा जिन मरीजों की रोशनी कम हो गई है या फिर चली गई है। इसके माध्यम से रेटिना को कैमरे के माध्यम से टीवी पर विजुअल दिखाई देगा। अच्छे तरीके से काम कर रही है, जहां हर महीने कम से कम 30-40 पेशेंट्स के कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इस सब के चलते हमारे पास दूर दराज के इलाकों से, इवन मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी कई सारे मरीज़ आते हैं यहाँ पर, जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराने आते हैं। और फ़ायदा ये रहता है कि ऐसे मरीज़ प्रायः वो होते हैं जिन्होंने पहले रोशनी देखी तो थी, लेकिन किसी बीमारी के चलते उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। फिर जब उन्हें दोबारा दुनिया देखने को मिलती है, तो आप जानते हैं कितनी रंगीन दुनिया है, जब उन्हें देखने को मिलती है तो बड़ी अच्छी अनुभूति होती है। तो इसीलिए इस मशीन को डॉक्टर शेफाली मजुमदार, जो इस कॉर्निया यूनिट के इंचार्ज हैं, उनके द्वारा इसकी डिमांड की गई। व्यक्तिगत स्तर पर मैंने जब मिस्टर मोहित गोयल, ये बिलोंग्स टू पंचीपेटा, उनसे ऐसी चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको मैं डोनेट कर दूंगा। तो ये मशीन उनके द्वारा डोनेट की गई है। बाकी का मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मशीन के आने से कॉर्निया ट्रांसप्लांट यूनिट में कार्य में जो कुछ समय से दिक्कत चल रही थी, उससे थोड़ा सा सुधार होगा और कॉर्निया ट्रांसप्लांट के संबंध में ये मानते हैं कि इस मशीन से और बेहतरी आएगी। और विद डॉक्यूमेंट दवाइयों का इफेक्ट भी देख के उन्हें समझाया जा सकता है आसानी से कि देखो इतना था, अब इतना हो गया। तो सर इसकी विजिबिलिटी काफ़ी बड़ी, हमने देखा कि सर काफ़ी बड़ी स्क्रीन है इसकी, जो और एक एक चीज़ बड़ी क्लियर से, मतलब मरीज का जो टीमवर्क वो भी देख पाएगा। हाँ डेफिनेटली, मरीज का टीमवर्क दोनों लोग देख सकते हैं कि क्या करना है। और साइलेंट लैंप मशीन के माध्यम से मरीज के तीमारदार आंख की पुतली को ढंग से देख पाएंगे। एसएन मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग में यह पहला अवसर नहीं है कि समाज सेवी संस्थान ने इस तरह की मदद की है। आए दिन ऐसे हाथ सामने आते रहते हैं जो जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहते हैं। सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।